नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी ही लॉन्च होने वाली BS6 महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में और उसे हम कंपेयर करेंगे BS6 हुंडई क्रेटा के साथ। तो चलिए देखते हैं किसकी होगी जीत। दोस्तों, महिंद्रा के BS6 स्कॉर्पियो के प्राइसेस फाइनली आ चुके हैं, जहां महिंद्रा ने कुछ मॉडल्स की प्राइसेस कम किए हैं तो कहीं वो बढ़ा दिए हैं। और तो और, उन्होंने अपने BS6 वर्जन स्कॉर्पियो में उसके इंजन्स और गेयरबॉक्स में भी बदलाव किए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब किए कि आखिर कौन सी वो नई चीजें हैं जो हमें BS6 स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगी और उसे हम कंपेयर भी करेंगे BS6 क्रेटा के साथ, जो इंडियन मार्केट में कब की आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों कार्स के कंपैरिजन में जाने से पहले हमें आपको कोरोना वायरस के विषय में एक जरूरी चीज दिखानी है, जो शायद आप नहीं जानते, शायद गलत इस्तेमाल भी कर रहे हो, और ये चीज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा वीडियो अंत तक ये जानने के लिए कि कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अब BS6 स्कॉर्पियो आएगी सिर्फ 4 वेरिएंट्स में, और वो है उसकी S5, S7, S9 और S11। और उनके ऑन रोड दिल्ली के प्राइसेस कुछ इस तरह है। स्कॉर्पियो के S5 वेरिएंट की कीमत महिंद्रा ने रखी है 14.99 लाख, और उसके S7 की होगी 17.12 लाख, और जहां उसके S9 की कीमत होगी 17.86 लाख, वही महिंद्रा ने उसके S11 वेरिएंट की प्राइस रखी है 19.26 लाख। और यही अगर हुंडई के क्रेटा के सिर्फ डीजल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो क्रेटा स्कॉर्पियो से 3 ज्यादा वेरिएंट्स में आती है। जी हां, यानी आपको ज्यादा बाइंग ऑप्शंस देता है हुंडई। और क्रेटा के डीजल के प्राइस रेंज की शुरुआत होती है 11.49 लाख से, यानी कि स्कॉर्पियो के बेस प्राइस के वेरियंट से लगभग 3.5 लाख से कम। और क्रेटा के टॉप वेरियंट्स की ऑन रोड डेली प्राइस देखो तो वो है 20.46 लाख, यानी कि स्कॉर्पियो के टॉप एंड प्राइस से 1.2 लाख रुपयों से ज्यादा। और ये रहे आपके स्क्रीन पे दोनों वेरिएंट्स की प्राइसेस। अगर आप चाहे तो हम अगले सेक्शन में जाने से पहले ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो BS6 स्कॉर्पियो में महिंद्रा ने BS4 के सभी फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड किए हैं, और आपको ये समझ आ गया होगा कि स्कॉर्पियो फिर से पीछे रह गई फीचर्स के मामले में, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि हुंडई अपने कार्स को अपडेटेड रखती है फीचर्स के मामले में। ऐसा लगता है कि वो रोज एक सवाल लेके उठते हैं सुबह कि आज कौन से फीचर्स दिया जाए अपने कार्स में। लेकिन हाँ, ऐसी एक चीज है स्कॉर्पियो में जो हुंडई ने अभी तक उसके क्रेटा में नहीं दी है। वो चीज क्या है जी? बस 2 मिनट, क्योंकि क्रेटा में ऐसे कई बड़े फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो में देखने को भी नहीं मिलेंगी, जैसे कि फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, पेडल शिफ्टर्स इत्यादि। और ऐसे भी कई फीचर्स है जहां स्कॉर्पियो कम पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 6 एयरबैग्स, जहां स्कॉर्पियो में 4 कम एयरबैग्स मिलेंगे। क्रेटा का लगभग 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आपको स्कॉर्पियो में 3 इंच कम मिलेगा। और बहुत सारे फीचर्स, जो लेके आता है हमें हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो कि है माइलेज। सबसे पहले देखते हैं स्कॉर्पियो में कौन से इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस आते हैं उनके BS6 वर्जन में, और इसकी तुलना करेंगे क्रेटा के सिर्फ डीजल वेरिएंट्स के साथ। दोस्तों, महिंद्रा ने उनके BS6 स्कॉर्पियो वेरिएंट में और इंजन गियरबॉक्स ऑप्शंस में बहुत कटौती की है। जी हाँ, उनका जो S3 बेस वेरिएंट आता था वो उन्होंने बंद कर दिया है। उन्होंने उनका 2.5 लीटर और लोअर स्पेक 2.2 लीटर का M-Hawk इंजन, जिसका पावर आउटपुट था 120 HP, वो भी नहीं दिया है BS6 वर्जन में। और तो और, उन्होंने उनका AWD सिस्टम यानी ऑल व्हील ड्राइव, जो स्कॉर्पियो के टॉप वेरिएंट में आता था, वो भी नहीं दिया है। तो रह जाता है उनका BS6 कंप्लायंट 2.2 लीटर का हायर स्पेक M-Hawk इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 140 HP और टॉर्क है 320 Nm। इस इंजन को अभी तो एक ही गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेगा, जो है 6-speed manual। जी हाँ, यानी कि अभी तो महिंद्रा कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन नहीं दे रहा उनके स्कॉर्पियो में। और इस इंजन की तुलना अगर आप क्रेटा के डीजल इंजन के साथ करते हो तो उसका पावर कम है स्कॉर्पियो से लगभग 25 एचपी से, और टॉर्क कम है लगभग 70 Nm से, जहां दोनों का पीक टॉर्क आता है सेम टाइम पे, यानी कि 1500 RPM पे। हाँ, लेकिन फिर भी दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स के माइलेज की तुलना अगर की जाए, जहां क्रेटा को एक 6-speed manual गियरबॉक्स मिलता है, तो स्कॉर्पियो का माइलेज कम है लगभग 6 KMPL से। जी हाँ, और अगर क्रेटा के 6-speed automatic के साथ की जाए
फिर भी स्कॉर्पियो का माइलेज कम है लगभग 3.5 KMPL से। और दोस्तों यही वो बात है जहां स्कॉर्पियो बीट कर सकती थी क्रेटा को, क्योंकि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी है और उसके बावजूद ये हाल है स्कॉर्पियो का। और यही वो बात है दोस्तों जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ऐसी एक चीज है स्कॉर्पियो के पास जो क्रेटा में भी नहीं है। लेकिन क्या फायदा, क्रेटा तो बीट कर गई स्कॉर्पियो को, जो लेके आता है हमें हमारे अगले सेक्शन की ओर जो कि है डायमेंशंस। जब डायमेंशंस की बात की जाए तो सरप्राइजिंगली स्कॉर्पियो लंबी है क्रेटा से लगभग 6 इंच से और चौड़ी है लगभग 1 इंच से। और आप मानो या ना मानो दोस्तों, लेकिन स्कॉर्पियो ऊंची है क्रेटा से लगभग 14 इंच से। जी हाँ, 14 इंच, जो आपको आपके एक सवाल का जवाब देता होगा कि क्यों स्कॉर्पियो में इतना बॉडी रोल है। और शुक्र है कि स्कॉर्पियो का व्हील बेस क्रेटा से ज्यादा है लगभग 2.5 इंच से। ऑफकोर्स फिर भी स्कॉर्पियो क्रेटा के शानदार राइड और हैंडलिंग को मैच नहीं कर पाती, जो लेके आता है हमें हमारे अगले सेक्शन यानी कि अंतिम सेक्शन की ओर जो कि है वर्डिक्ट। और हाँ, हम आपको कोरोना वायरस के बारे में वो एक चीज दिखाने वाले हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक मास्क दिखाना चाहते हैं जो कोई भी साधारण मास्क से बेहतर है, क्योंकि इसके साथ इस तरीके का एक शील्ड भी आता है और ये मास्क पहनने से आप ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, जो आपको कोरोना वायरस के छींटों से बचा सकता है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे मौजूद इस नंबर पे कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, लेकिन ये आपके हित के लिए है ताकि आप कोरोना वायरस जैसे महामारी को एक टफ फाइट दे सके। और जब एक टफ फाइट की बात आती है तो स्कॉर्पियो जो क्रेटा से लगभग 13 साल पहले लॉन्च हुई थी इंडिया में, वो आज भी स्ट्रगल करती है क्रेटा जैसे कॉम्पिटिटर को सिर्फ एक टफ फाइट देने में। ये सिर्फ हम नहीं लेकिन उसके सेल्स फिगर भी कह रहे हैं। जी हाँ, अगर आप दोनों के 2020 फाइनेंशियल ईयर के सेल्स फिगर्स देखोगे तो क्रेटा बिकी लगभग 82,000 यूनिट्स और स्कॉर्पियो उसके आधे से भी कम बेची गई उसी साल में। और इसके कारण तो आप सभी को मालूम ही होंगे। अब हम बस यही आशा करते हैं कि नेक्स्ट जेन स्कॉर्पियो जब आएगी तो वो ना ही सिर्फ उसके साथ नए इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ आएगी या अच्छे सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आएगी, बल्कि वो बेटर इक्विपमेंट के साथ और कॉम्पिटेटिव प्राइसेस के साथ आएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो BS6 महिंद्रा स्कॉर्पियो और BS6 हुंडई क्रेटा के बीच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपैरिजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।